ओम शांति मेरे शरीर का नाम अशोक मैं रेलवे में कार्य करता था अभी रिटायर हूँ हम शिवानी दीदी का तो नाइन्टीज़ में ही आस्था चैनल पे काफ़ी सुना करते थे बहुत अच्छा लगता था लेकिन सेंटर में आने की कभी कोई नहीं हिम्मत तो ऐसे ही रेलवे में हमारे घर के पास प्रदर्शनी लगी वहाँ रेलवे क्लब थी तो प्रदर्शनी में मैं गया प्रदर्शनी देखी अच्छा लगा सुना तो पहले ही हुआ था जी से काफ़ी लेकिन वो प्रदर्शनी में गए फिर वहाँ पे सात दिन का कोर्स हुआ दीदियों ने कोर्स कराया तब से फिर मैंने सेंटर में आना शुरू कर दिया पहले पहले सिर्फ सत गुरुवार को याता था फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ कि बस फिर अब तो मोस्टली सेंटर में ही रहता हूँ 2010 में मैं रिटायर हो गया था तभी मेरी जुगल की शरीर छोड़ा था अभी तो मोस्टली हर सेंटर में ही रहते हैं सेंटर में सेवा करते हैं आसपास गांव में भी जाते हैं मुरली रोज़ सुननी मुरली सुनानी ये सब सेवाएं होती रहती हैं ज्ञान से आने से पहले बाकी तो ठीक था एक कमी थी कमजोरी गुस्सा आता था कभी तो बाबा का ज्ञान सुनने के बाद रोज़ मुरली सुनने के बाद अब गुस्से में काफ़ी कमी आई है तो अभी तो जो है हर सेंटर पे जाकर मुरली भी सुनते हैं सुनते भी हैं सुबह से उठ के शाम तक सेवा में बिजी रहते हैं अच्छा लगता है व्यर्थ में जाने का समय नहीं मिलता ना व्यर्थ में जाते हैं ना इधर उधर की बातें होती हैं बस सेवा 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 ओम शांति